Hello friends, today I am going to teach you preposition in a very simplest way. Let's get started with play and learn method. For this, just look at the positions in the car. There are many positions in the car and I would like to explain you ki kis kis position ka yahan par kya matlab hai. Now, hamare paas ye car hai aur isme hume kafi sari positions de rakhi hain. Ab hum inko हम कैसे कैसे विजुलाइज कर सकते हैं इन पोजीशन को या इन पोजीशंस का इसमें क्या मतलब है अब हम उसके बारे में जानेंगे लेट अस सपोज हम सबसे पहली पोजीशन यहां पर ले लेते हैं इन जब कोई चीज कार के अंदर हो यानी कि जब कोई चीज किसी के अंदर होती है तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं इन फॉर एग्जांपल द बुक इज इन द कार यानी कि जो बुक है वो कार के अंदर हो अगर तो हम कहेंगे द बुक इज इन द कार मतलब अंदर अगर कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ आ जाए यानी कि अगर कोई चीज बाहर से चलती हुई अंदर की तरफ आ जाए तो हम उसके लिए इनटू का यूज करते हैं मतलब जैसे अब हमने यहां पर एक रिंग बनाई रिंग जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है आ चुकी है तो हम उसके लिए इनटू का यूज करेंगे नेक्स्ट पोजीशन इज ऑन जब कोई चीज ऊपर की तरफ हो और टच में हो यानी कि लेट अस सपोज कोई चीज है वो हमारे हेड पे पड़ी है उस हेड में और उस चीज में यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में टच है यानी कि तो हम कहेंगे लाइक फॉर एग्जांपल द बुक इज ऑन द हेड द बुक इज ऑन द टेबल यानी कि जब कोई चीज ऊपर की तरफ हो और टच में हो तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं अगर कोई चीज ऊपर है और टच में नहीं है जैसे आप देख रहे हैं ये कार है कार से ये ऑब्जेक्ट जो है वो टच में नहीं है ऊपर है पर टच में नहीं है तो उसके लिए हम ओवर का सेंस यूज करते हैं यानी कि जब कोई चीज ऊपर हो और टच में ना हो फॉर एग्जांपल फैन लेट अस सपोज फैन और हमारे बीच में किसका रिलेशन है ओवर का द फैन इज ओवर माय हेड अब आप हमेशा ये याद रखेंगे जब कोई चीज हमें हमारे हेड के ऊपर है और टच में है तो हम उसके लिए ऑन यूज करते हैं और जब कोई चीज ऊपर हो टच में ना हो तो उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं अब बात आती है अपॉन की अपॉन हमेशा कब यूज होगा जब कोई चीज किसी के ऊपर आकर गिर जाती है यानी कि ऊपर से ऊपर ही गिर जाए फॉर लेट अस सपोज कभी फैन जो है हमारे हेड के ऊपर गिर जाए तो हम उसके लिए क्या कहेंगे द फैन फेल अपॉन माय हेड यानी कि जो फैन है वो मेरे हेड के ऊपर गिर गया ऊपर था और ऊपर ही गिर गया इट मींस नीचे की तरफ नहीं ऊपर से ऊपर की ओर ही राइट नाउ पीछे की ओर के लिए यानी कि अगर कोई चीज कार के पीछे है तो उसके लिए हम बिहाइंड का यूज करते हैं बिहाइंड जैसे आपने देखा कि ये जो डॉट है ये हमने कार के पीछे बनाई है तो हम यहाँ पर बिहाइंड का सेंस लेंगे और अगर कोई चीज कार के नीचे की तरफ हो यानी कि अगर हमने कोई नीचे की तरफ के लिए कोई प्रीपोजिशन यूज करनी है तो हम उसके लिए अंडर का यूज करेंगे लेट अस सपोज यहाँ पे हमने जो ये डॉट बनाया है वो आपको बता रहा है कि वो चीज जो है वो कार के अंडर है लाइक कोई चीज बेड के नीचे हो तो हम उसके लिए क्या कहेंगे दैट इज अंडर द बेड कोई रिंग लेट अस सपोज ये रिंग बाहर से अंदर की तरफ आए और अंदर से फिर बाहर की तरफ चली जाए तो हम उसके लिए थ्रो का यूज करेंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के लिए ये डॉट जो है ये रिंग जो है ये बाहर से अंदर आया और अंदर से फिर बाहर चला गया तो हमने यहाँ पर इसे थ्रो का सेंस दिया है लेट अस सपोज कोई किसी को शूट कर दे शूट करता है तो शूट करने में जो बुलेट है वो उसकी बॉडी के अंदर जाता है फिर अंदर से बाहर निकल जाता है तो हम वहां पर थ्रो का सेंस यूज करेंगे सामने की तरफ के लिए हम दो प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं वेदर इन फ्रंट ऑफ और बिफोर मगर बिफोर का यूज हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं और इन फ्रंट ऑफ का यूज हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहना हो कि जो क्रिमिनल है वो जज के सामने खड़ा है तो क्रिमिनल एक लिविंग ऑब्जेक्ट है लिविंग है तो हम उसके लिए कहेंगे द क्रिमिनल वॉज स्टैंडिंग बिफोर द जज तो हम यहाँ पर बिफोर का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इन फ्रंट ऑफ क्योंकि इन फ्रंट ऑफ जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ लगता है अब हम अबव के बारे में बात करेंगे अबव आपने देखा यहाँ पर जो है अबव रह गया ये सभी पोजिशन हमने क्लियर करे अब हम करेंगे बात अबव के बारे में अबव का यूज कब होता है जब कोई चीज हमारे हेड के ऊपर हो और टच में ना हो और स्ट्रेट यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट है
सीधे ऊपर की तरफ, तो हम वहां पे ओवर का यूज करते हैं। मगर अगर कोई चीज हमारे हेड से ऊपर है यानी कि टच में नहीं है और जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट ना होकर कहीं और है, वेदर दिस वे और दिस वे, तो हम वहां पर अबव का सेंस यूज करते हैं। ज्यादातर अबव का यूज हम डायरेक्शन को देने के लिए, यानी कि जब डायरेक्शन की बात होती है या लेवल की बात होती है, तब हम वहां पर जो है अबव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से और हियर, वॉटर ऑफ गंगा रिवर इज अबव द डेंजर लेवल, यानी कि जब हम लेवल की बात करते हैं तब हम अबव की बात करते हैं। वी हैव सीन ऑल द पोजिशन इन द कार और आउट ऑफ द कार, सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस अबाउट प्रेपोजिशन। अब हम देखेंगे कि कैसे हम प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं, यूसेज ऑफ प्रेपोजिशन। इन द फर्स्ट सेंटेंस The man is dash the tree. अगर हम कहें जो man है, the man is dash the tree. अगर मैं यहाँ पर under ना लगाऊं, यानी कि अभी मैंने यहाँ पर एक fill कर दिया आपके लिए और एक blank जो है आपके लिए यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। The man is dash the tree. अगर मैं कहूँ तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि man जो है ऊपर तो बैठा नहीं है, वो नीचे की तरफ यहाँ पर कहीं, ये आपका ट्री का एरिया है, यहाँ पर वो कहीं बैठा है, तो हम कहेंगे नीचे की तरफ के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज नीचे की तरफ होती है तो हम उसके लिए अंडर का यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे द मैन इज अंडर द ट्री। द मंकी इज डैश द ट्री, मंकी इज डैश द ट्री, ये ट्री है। अगर हम यहाँ ऊपर की बात करें, जैसे मैंने कहा कोई चीज हमारे ऊपर हो टच में हो तो हम उसके लिए ऑन का यूज करते हैं। क्या मंकी यहाँ कहीं बैठा है ऊपर की तरफ? नहीं, जो मंकी है वो पेड़ में कहीं उसकी ब्रांचेस में, यानी कि उसकी जो झाड़ियां हैं उसमें कहीं बैठा है। तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो हम वहां पे इन का यूज करते हैं, तो हम क्या कहेंगे द मंकी इज इन द ट्री, यानी कि जो मंकी है वो ट्री में कहीं छुपा हुआ है, ट्री में कहीं बैठा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज डैश द शेड ऑफ द ट्री। अगर हम यहाँ पर शेड की बात करते हैं, यानी कि अब हम कहें कि जो एनीवन ही इज, वो कहाँ बैठा है? शेड में। शेड मतलब छाया, यानी कि वो पेड़ की छाया में बैठा है। अब जो छाया है वो सिर्फ एक जगह तो होगी नहीं, वो पेड़ के चारों तरफ है, जहां तक भी पेड़ का एरिया है वहां तक उसकी छाया जा रही है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो एयर सिर्फ एक जगह नहीं है, वी इन द एयर, यानी कि हम कहीं पर भी जब बात होती है जो चीज चारों तरफ फैली हुई हो तो हम उसके लिए इन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द एयर, इन द शेड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही इज इन द शेड ऑफ ट्री। He entered, for example, next हम एक और example लेते हैं, like he entered dash his bedroom dash his drawing room, यानी कि he entered dash his bedroom dash his drawing room। जब मैंने आपको कहा था कि जब हम किसी चीज, कोई चीज अंदर से बाहर से अंदर जाती है और अंदर से बाहर आ जाती है, आप देख रहे हैं कि वो bedroom के अंदर enter हो रहा है थ्रू ड्रॉइंग रूम, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ड्रॉइंग रूम है तो वो जो रास्ता ले रहा है वो किसका है, ड्रॉइंग रूम से होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर ड्रॉइंग रूम एक मीडियम का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर किसका सेंस लेंगे, थ्रू का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही डैश हिज बेडरूम थ्रू हिज ड्रॉइंग रूम, यानी कि वो कहाँ से जा रहा है, थ्रू हिज ड्रॉइंग रूम। अब हम ही एंटर्ड डैश हिज बेडरूम, अब आप यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ क्या होगा। जनरली लोग क्या करते हैं, ही एंटर्ड इन का यूज कर लेते हैं या फिर इनटू का यूज कर लेते हैं, यानी कि या इन लगा देते हैं या इनटू लगा देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मोशन हो रहा है वो अंदर, यानी कि बाहर से अंदर आया और अंदर से कहीं और चला गया। जैसे कि हमने कहा कि थ्रू हिज ड्रॉइंग रूम एंटर्ड इनटू हिज बेडरूम और इन हिज बेडरूम। बट बी केयरफुल, एंटर का मतलब क्या होता है, अब हम देखेंगे कि एंटर का मतलब क्या होता है। एंटर अगर हम इसकी फर्स्ट फॉर्म लें, यानी कि हम एंटर्ड को एंटर कर लें, यानी कि सिर्फ इसका क्या बना दें, एंटर, तो एंटर का मतलब क्या होता है, एंटर का मतलब होता है कम इनटू, यानी कि जब हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो हम उसको कहते हैं एंटर, एंटर इनटू और कम, सॉरी कम इनटू, यानी कि जब हम अंदर की तरफ आते हैं, प्रवेश लेना, प्रवेश का मतलब कहीं अंदर जाना, बाहर के लिए तो हम प्रवेश नहीं यूज करते, तो इस वजह से एंटर के बाद ना तो इनटू लगता है ना ही इन लगता है। एंटर का सेल्फ मीनिंग ही होता है
कम इन टू, तो हम जब भी एंटर लगा हो जहां पर भी, तो ना हम वहां पर इन का यूज करेंगे ना इन टू का यूज करेंगे, यानी कि एंटर के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती है। तो हम यहां पर लिखेंगे ही एंटर्ड हिज बेडरूम थ्रू हिज ड्रॉइंग रूम। तो मैंने जैसे कहा कि एंटर के बाद हम कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ही एंटर्ड द हॉल, नॉट ही एंटर्ड इन टू द हॉल और इन द हॉल, सिंपली ही एंटर्ड द हॉल। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग केरला इज इन द साउथ ऑफ इंडिया और श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की और अगर हम किसी एरिया की बात करते हैं जैसे साउथ नॉर्थ, और हम एरिया की बात करें इंडिया की, अगर हम इंडिया में उसी एरिया की बात करते हैं यानी कि जैसे केरला है वो इंडिया में ही है, तो हम वहां पे यूज करेंगे इन, इन साउथ ऑफ इंडिया। अब हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। और अगर हम उस जगह की बात कर रहे हैं जो इंडिया में नहीं है, यानी कि उस एरिया की बात कर रहे हैं जो इंडिया में नहीं है, इंडिया से कहीं उस बाउंड्री से कहीं बाहर है, तो हम वहां पे टू का सेंस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, क्योंकि श्रीलंका जो है वो इंडिया के एरिया में नहीं आता। लेट अस सपोज हम नेपाल की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया बिकॉज जम्मू कश्मीर इज इन द इंडिया। और अगर हम नेपाल की बात करें इंडिया के साथ, तो हम ऐसा कहेंगे नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया बिकॉज जो नेपाल है वो इंडिया की बाउंड्री में नहीं है, वो इंडिया के कहीं बाहर नॉर्थ में है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वीडियो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट www.mindfully.com। थैंक यू।